बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज हम एक मकान पर आए हैं, ये कोठी नुमा है, एक मकान है, कोठी बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस मकान को पूरा नहीं करने देते और यहाँ पे रहायश वगैरह भी नहीं करने दे रही। ये अभी तक ये तामीर हो रहा था उस वक्त भी लोगों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी वाक़यात हुए। तो अभी जो है यहाँ पे उन्होंने रहायश करने की कोशिश की तो वो रहायश नहीं कर पाए, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे रहती हैं वो उनको यहाँ पे रहने नहीं दे रही। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से हमने ये जिस बंदे की ये कोठी थी उनसे बात की, हमने बोला कि आप हमें जो वहाँ पर जाने दें, ये प्रोग्राम करने दें, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको वहाँ नहीं जाने दे रही, रहायश नहीं करने दे रही। तो अभी हम आए हैं बड़ी मुश्किल से, तो उन्होंने कहा है कि आप जाएं, लेकिन मगर देख रहे हैं आप, अभी हमने एंट्री की है और एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं, तो जो है ना हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए और जो है ना चलते हैं आगे। ये मकान अभी तक मैंने जैसे कि बताया, ये कोठी है, ये कोठी बन रही है, ये देखते हैं आप, अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये स्टार्ट है। तो अभी से यहाँ पे जो है ना ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देखते हैं अंदर की जानिब चलते हैं। देख रहे हैं आप कि एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन जो है ना हमें देख रहे हैं, काफ़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है ना पता नहीं चल पा रहा कि कौन है वो। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे रहायश नहीं कर पा रहे। तो ये देखें, ये जो कोई भी बंदा था, ये देख रहे हैं आप, उन्होंने कितने शौक से इसको इस कोठी को तैयार किया है। और यहाँ पे उन्होंने जो जो इंसान की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो जो सुकून दे इंसान के लिए चीज़ें हैं, वो सब उन्होंने यहाँ पे रखी। आवाज़ आ रही है? तो वही चीज़ें रखी हुई उन्होंने कि जो है ना हमें यहाँ पे किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े, ना ही हमें बाहर जाने की जरूरत पड़े। कौन है? कुछ देख, कुछ देख, कुछ देख, कुछ साइड पे। ये आप देख रहे हैं कि ये जैसे चीज फेंकी गई हमारे ऊपर, ये देख रहे हैं कौन है यहाँ पे। देखें, हम आपको तंग करने नहीं आए और ना ही आपको परेशान करने आए हैं। तो आप जो भी हैं, आप कौन हो आप? आप देख रहे हैं कि बार बार जो ये बाहर वो कुत्ता भौंक रहा है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं ना,
ये इनको दिखाई देती हैं, हमें तो दिखाई नहीं देती। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे ये कुत्ते वगैरह भौंकने शुरू होते हैं, जानवर को दिखाई देती हैं ये चीज़ें। दोस्तों इस कमरे के अंदर आप देखें, जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे थे तो वो बंदे इधर काम छोड़कर चले गए हैं। ये उनका वही पड़ा हुआ है सीढ़ी टाइप के, इनके ऊपर वो काम करते थे, इनके ऊपर खड़े होके। लेकिन जो उनके साथ यहाँ पे वाकयात होते रहे उनकी वजह से यहाँ पर काम नहीं कर पाए। तो वही ये बंदे छोड़कर काम बीच में छोड़कर चले गए हैं। तो हमारे साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा कि यहाँ पे जो मजदूर थे उनके साथ होता है। काफी आवाजें आ रही हैं। इधर दूसरे कमरे में कौन है? ये काफी बड़ी एक कोठी है, यहाँ से आवाज आ रही है। हम आपको परेशान नहीं करने आए, आप बताएं कि आप लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे भी काफी जो है अजीब सा सामान बिखरा पड़ा है। बहुत इस कमरे की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है। ये हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, देखें आप। तो ये है कि काफी हालत इसकी बुरी हो चुकी है। तो बंदे छोड़ कर चले गए काम। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि उन्होंने बड़े शौक से इस मकान को तैयार किया है। ये क्या है इस साइड? मुझे लगता है यहाँ पे कोई बेसमेंट वगैरह भी है। काफी अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कोई चीज यहाँ पे जली हो, या अजीब सी कोई स्मेल आ रही है ऐसे, जैसे जो उलझन सी हो रही है, हमें दम घुट रहा है। ये आप देखेंगे कैसे इन्हों ये सामान वगैरह देखते हैं, इधर का वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। काम वाम जैसे कि आपको बताया कि करने ही नहीं दिया उन्होंने। कौन है? नीचे ज्यादा जो है ना हमारे साथ हो रही है हरकतें। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जब हम ऊपर थे तो ऊपर से भी आवाज़ें काफ़ी आ रहे थे। अब नीचे हमें नहीं पता था कि यहाँ पे नीचे एक बेसमेंट भी है। तो हम अभी उस बेसमेंट में आए हैं, तो यहाँ पे हम क्या हुआ? संभल कर, संभल कर, कुछ ना कुछ तो है। आगे
ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये तारे वगैरह लगी हुई हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। ये आगे की तरफ ये वो बंदा बता रहा था कि मैंने काफी मेहनत से अपने शौक से ये मैंने नक्शा तैयार करवाया था, और मैंने ये जो है ना ये इस मकान को इस कोठी को तैयार करवाया है। तो कौन है? क्या आप सामने आ सकते हैं? आप देख रहे हैं कि यहां से भी आवाजें आनी शुरू है, हो चुकी काफी ज्यादा। साइड पे आए हैं, ये इनके बेसमेंट पे। जैसे पे मैं बता रहा था आपको कि वो बंदा बता रहा था कि मैंने ये इस नक्शे को जो है ना। कौन है, क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? आप क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए हम आपको परेशान नहीं करने आए, और क्या आप सामने आ सकते हैं? काफी अजीब सी आवाज आई है। वो तुम्हारे पीछे से कोई चीज गुजर के जा रही। ये आप चमगादड़ को देख रहे हैं, जहां पे ऐसा जिन्नात, जहां पे ये आप देख रहे हैं बार बार चमगादड़ का गुजरना, जहां पे जिन्नात वगैरह होते हैं वहां पे ये चमगादड़ वगैरह होती हैं। तो अभी तो हमें भी यकीन हो चुका है कि जो बंदे यहाँ पे आए हैं, जो काम यहाँ पे करते थे मजदूर, उनके साथ ऐसा होता रहा है जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गए हैं। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसे हम बुलाएं, उससे पूछें कि आप इंसानों को क्यों तंग कर रहे। देखिए आप जो भी हैं, आप इंसानों को तंग करना छोड़ दें। साइड के अंदर ऐसे कुछ भी नहीं, ऐसा यहाँ ये पैकेट किस चीज के पड़े हैं? इनमें क्या है, क्या ऐसा पता नहीं। पता नहीं इसमें क्या चीजें हैं, लेकिन ये भी काफी खतरनाक है। देखें ये आप चमगादड़ को भी देख रहे हैं, तो हमें खुद अब खौफ आना शुरू हो गया है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, आज ऊपर चलते हैं। संभल कर संभल।
दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं। नीचे जो बेसमेंट थी उसका तो हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पे बेसमेंट भी है। तो जब हम नीचे गए हैं तो नीचे हमारे साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रही हैं, तो अभी हमें भी काफ़ी खौफ आना शुरू हो गया। तो आज की इस वीडियो को हम जो इधर ही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। और आप हमें इजाज़त दें, आपका दोस्त नईम यासीन। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।